शकुंतला आगे बढ़ी और आगे बढ़कर के महाराज दुष्यंत से प्रश्न कर दिया। दुष्यंत बहुत देर तक तो कुछ बोल न सके और जब शकुंतला ने ज्यादा पूछा है तो दुष्यंत ने एक बात कह दी, शकुंतला देवी तुम्हें अगर बुरा ना लगे तो हम अपने दिल की बात तुमसे कहें। जवाब दिया, कहिए महाराज। तो दुष्यंत ने सकुचाते हुए और शकुंतला से एक बात कही, शकुंतला के बोले भूपाल भुलाने से और क्या कहूं आज अपने मन की, दुष्यंत ने शकुंतला से कहा, शकुंतला हमारी ये इच्छा है कि आप हमसे शादी कर लीजिए और अब मैं तुम्हारे बिना आंगन में जी नहीं पाऊंगा। और शकुंतला का हाथ हाथ में पकड़ करके दुष्यंत ने एक बात कही, चली गई जो छोड़ी तुम बिना नहीं जी पाऊंगा, we'll be right back।
राज महाराज दुष्यंत शकुंतला से कहने लगे। शकुंतला आदर से महाराज दुष्यंत को लेकर के गई महाराज कण्व ऋषि की कुटिया में बैठा लिया जाकर, स्वागत सत्कार किया है। और अंत में महाराज दुष्यंत ने एक प्रश्न कर दिया, शकुंतला हम आपके प्यार में इतने दिन से यहाँ पर हैं, लेकिन आपका हमें ये नहीं मालूम आप किसकी पुत्री हैं, कहाँ की रहने वाली है। तो शकुंतला ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, महाराज आप हमें जानते नहीं हो, सुनिए महाराज। जोड़े महाराज, मेरी माँ मेनका है, पिता का नाम विश्वामित्र है। धीरे धीरे महाराज दुष्यंत को बहुत दिन बीतीत हो गए हैं महाराज कण्व ऋषि के आश्रम पे। शकुंतला के प्यार में इतने पागल हैं, न तो परिवार की चिंता है न तो दरबार की चिंता है, बस शकुंतला के पास में रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतीत होता रहा और एक दिन महाराज दुष्यंत अपने दरबार के लिए चलते हैं, ये राज्य का ख्याल आया तो शकुंतला का हाथ पकड़ लिया, हाथ में शकुंतला से कहा, शकुंतला अब मैं अपने दरबार के लिए चलता हूँ, लेकिन क्या करूं, अरे तुम बिन नायनी को लगे अरे मेरी प्यारी कोई देखना है। शकुंतला हाथ से एक मुद्रिका उतारी है महाराज दुष्यंत ने और कहा, प्यारी अरे दुख सुख सब ही छोड़ के अरे मेरे प्यारी सब जीवन की जो मुझे प्यार थी।
महाराज दुष्यंत शकुंतला से कहते हैं। शकुंतला ने भी दुष्यंत का हाथ पकड़ा और कहा, महाराज अगर तुम ऐसी बात कहते हो तो हमारी भी बात सुन लीजिए। सच सच बताओगी, अपना छुपाओगी, उसको कसम से मैं अपना बनाओगी। छोड़ू ना तेरा हाथ साथ में फिर रहूंगी, छोड़ू ना तेरा हाथ साथ में फिर रहूंगी। शकुंतला कहने लगी, महाराज अगर तुम इतना कहते हो तो मैंने भी कह दिया। जिंदगी को बिताऊंगी। दुष्यंत कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें वादा करता हूं शकुंतला, तेरे संग चाहे दुखी रहूं, दुष्यंत और शकुंतला ने इस तरह से आपस में बातचीत हुई। अंत में दुष्यंत ने कहा, शकुंतला बहुत देर हो रही है, हाथ से एक मुद्रिका उतारी और शकुंतला के हाथ में दे दी, कहा जब मैं आ जाऊं, जब महाराज कण्व ऋषि आ जाएं तो तुम इस मुद्रिका को लेकर के हमारे पास चली आना, जिससे मैं तुम्हें पहचान सकूं। महाराज दुष्यंत आगे बढ़े तो शकुंतला उस अंगूठी को हाथ में पकड़ करके रो करके कहने लगी, महाराज तुम जा रहे हो लेकिन तुम्हें पता है शकुंतला इस आश्रम पे अकेली कैसे रहेगी तुम्हारे बिना। रो करके बोली है शकुंतला, बैठ के गम की तन्हाइयों में महाराज और तेरे बारे